बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। ये उन्होंने को तस्वीरें भेज रखी हैं। ये आज क्या है इनका है, ये तो पहला है। मेरा नाम शाहजेब है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें आज आप ये बताएं कि तकरीबन गायें भैंस साल, किसी को साल हो गया, किसी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो वो हीट में नहीं आ रही, वो बोल नहीं रही, हमें कोई देसी इलाज भी बताएं और उसके बाद कोई इंजेक्शन भी बताएं। इनमें से कोई ऐसे जानवर थे, उनको साइक्लोमेड भी लगाया है तो हीट में नहीं आए, तो कोई और हमें हाल बताएं, हम बहुत परेशान हुए हैं। तकरीबन 1.5 साल हो गया, भैंसे भी हैं गायें भी हैं, तो वो नई नई होती, तो उनका हमें कोई हल बताएं, बहुत शुक्रिया। कोई देसी इलाज बता दें और साथ में कोई इंजेक्शन वगैरह भी बता दें। अच्छा सर, और ये भी बताएं कि जब जानवर हीट में नहीं आता, इतनी देर हो जाती है, उसको क्या मसला आता है, किस वजह से वो हीट में नहीं आता, जो इतनी दिन ही देर गुजार देते हैं, साल हो जाता, 1.5 साल हो जाता है, इसका क्या यानी कि मतलब होगा कि जानवर हीट में क्यों नहीं आता, क्या कमजोरी होती है जानवर? उसमें प्रोटीन की कमी होती है, जितनी प्रोटीन ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी हीट में आएगा। उसके लिए खलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खल बिनोला या खल तोरिया, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देसी इलाज, कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। प्रोटीन लेवल बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी, ये झोटियाँ भी जल्दी सने बलूगत पे पहुँच जाती हैं, इसी तरह रेड़ियाँ भी पहुँच जाती हैं, और भैंसें जो हैं अगर आप उनको खुराक कम देंगे तो वो हीट में नहीं आएंगी। खुराक कम से मुराद है उनको प्रोटीन लेवल उनका थोड़ा रखेंगे तो वो उन हीट में नहीं आएंगी। और ये इसी तरह ही है जिस तरह अब इंसानों में अगर आप देखें, अगर बांग्लादेश चले जाएँ बंगालियों में, तो उनके बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं क्योंकि मछली बहुत खाते हैं और फिश खाते हैं, प्रोटीन रिच होती है। इसी तरह कसाब के बच्चे आप कसाई देखे होंगे, वो भी बड़ी जल्दी जवान हो जाते हैं, बच्चियां भी जवान जल्दी हो जाती हैं, गोश्त खाते हैं ना। प्रोटीन लेवल ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनका ये जल्दी हीट में आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि या फिर डेलमाजीन, अगर साइक्लोमेट से हीट में नहीं आई तो डेलमाजीन लगाएं, उससे हीट में आ जाएगी। अगर उस वक्त भी नहीं आती 10 दिन बाद फिर आप रिपीट कर दें डेलमाजीन 2 cc का, वो लगाएं, इंशाल्लाह ताला हीट में आ जाएगी। अल्लाह फजल करेगा, दुआ भी करूँगा, ठीक है। और जब भी कोई मैसेज हो तो आप अपना नाम ज़रूर बताया करें, ये तो है आपने अच्छा हुआ बता दिया। और जितने मेरे सामीन और नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं, एक तो कॉल ना करें, दूसरा ये है कि जब भी वॉइस मैसेज करें अपना तारफ ज़रूर कराया करें कि मैं जी मेरा नाम ये है और मैं कहाँ से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो ये फिर आपको इंशाल्लाह ताला वो सही जवाब भी मिलेगा। और चूंकि अकाउंट खुला होता है आपका नाम का जगह का, तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी उसको अपने प्रोग्राम को ढूंढना। वीडियो तो क्योंकि हर एक की तकरीबन बनती हैं, तो वीडियो की सूरत में आपको वो देखने को भी मिलता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि यार ये मेरी वीडियो डॉक्टर साहब के चैनल पे आई है, ये जो आपका अपना चैनल है, ठीक है। और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में नंबर 1 है, हाईएस्ट वीडियोज़ इसी की हैं। और अगर किसी और की हों तो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी हैं, और गिनीज बुक वालों ने भी कहा कि जी आपकी हैं, लेकिन फिर भी आप देखें वो इंसान है ना, मेरी 14,680 से ज़्यादा है, ठीक है मेरी जान, दुआओं में याद रखें। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस हदीस मुबारक पर। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए
वो भी चीज पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फी मान।